गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दर्शकों। सो क्या हाल है, आ गए हम आज एक दिन बाद। एक दिन का गैप दिया था व्लॉग का। भाई बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे थे यार, आज का व्लॉग में आया, आज का व्लॉग में आया। यार खुशी हुई यार, सच में यार खुशी हुई यार कि मतलब यार ठीक है यार, एक आधा मतलब दो तीन बंदे भी हो तो भाई ऐसे लगता है कि यार चलो ठीक है यार, कोई तो व्लॉग देख रहा है, किसी को तो मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं आज, कुछ खास तो है नहीं, इस बेरोजगार बंदे की ज़िंदगी में क्या ही कुछ खास हो सकता है, देखते हैं आज क्या होता है। मिलते हैं फिर, कुछ अगर मज़ेदार हुआ तो व्लॉग बनेगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं, कल बनाएंगे। अब मैं कमरे से इसको ऑन करके जाऊंगा ताकि दादी को आवाज़ नहीं आए, तो चलते हैं दादी के पास। अब क्या कर रहे हो? बैठी हूँ, क्या करना। और रोटी खाई? ओ खाई भाई, ओ खाई गया। आज नहीं पता चला तू आपको? तू खाई, हाँ, क्या पता चलना मुझे। कैमरा ऑन किया है हाँ भी मैंने। पता था, मैं आंधा मेरे घर से। पता ऐसे कहाँ आता हूँ। बाहर जाइए अच्छा। बड़े तेज नहीं बन रहे हो आप अपने से। करी आया था, मी पता है। हम भी क्या करना, सारा पता लगेगा मुझे। लाना ना इस बार मेरे डंडे से करनी है पिटाई। क्यों, क्या हुआ? आंटी हम अब हमारी शक्लें नहीं ना बनाया से। नहीं मेरे, मैं खुश हूँ आंटी। जब आंटी को गुस्सा चढ़ेगा ना फिर। मेरी शक्ल मत उतारना भाई, लोग मेरे को हंसेंगे उधर देख के। कवर चढ़ाया यार इसको गोप्रो को, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी। इस वाली वीडियो में कम होगी तो अगली वीडियो से उतार देंगे, बट एक वीडियो बना के देख लेते हैं कैसी आवाज़ आती है। कवर तो बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ब्लू कलर का कवर मंगाया है, शीशे में दिखाऊंगा बाद में। तो अभी जा रहे हैं हम अब्बी भैया के पास। अब्बी भैया ने फ़ोन करके बुलाया था, बोल रहे थे मेरे पास आना चक्कर मारने, तो मेटाडोर का किराया नहीं था तो पैदल जाना पड़ रहा है। क्या करे यार, गरीबी बहुत छाई हुई है। तो आ गए हैं हम अभी भी आगे पास। जैसे कि आप देख सकते हैं हम कहाँ पे आए हैं, पेट्रोल पंप। तो यस, इनके पापा जी का पेट्रोल पंप है। पकोड़े चल रहे हैं, मगाल के फेमस पकोड़े, मगाल से मंगवाए हैं। दूर है मगाल, पास नहीं है, बड़ी मुश्किल से मंगाए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हैं पेट्रोल पंप पे, तो ये है गाड़ी। तो पेट्रोल पंप से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल होंगे और आज हम करने वाले हैं खुलासा यहाँ पे। करने वाले कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे डलता है टैंक में। और ये यहाँ से खुल रहा है इनका लॉक चाबी से, जिसमें पेट्रोल पेट्रोल है डीजल है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों इसमें बीच में चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, तो दोनों है इसमें फिलहाल। फिर यहाँ से खोल के यहाँ पे कुछ डालेंगे। ये है ना टैंक आपका, इधर 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 ऊपर भी है ताला, ऊपर भी है ताला, एक ताला ऊपर भी है भाई। इधर तो फुल सिक्योरिटी है गाइस। ये ताले क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि कंपनी हमें तेल देती है, ड्राइवर चोरी ना करते इसमें से, ड्राइवरों से बच के गाइस। तो ये पेट्रोल पंप के आधे मालिक फिलहाल, अभी आधे ही हैं, बाद में पूरे हो जाएंगे। खुद पेट्रोल पंप पे चढ़ते हैं, नहीं इस टैंक पे चढ़ते हैं और खुद तेल लगाते हैं। हार्ड वर्किंग किड यार, सच ए हार्ड वर्किंग किड। ये क्या कर रहे हो आप? ये अब कंपनी तेल बेचती है, तो हमने देखना कि ये पूरा भेजा कि नहीं भेजा, वो इस रॉड से पता लगता है। अच्छा, ये कितना है? सीधा इस पाइप से गाइस इस टैंक में जा रहा है पेट्रोल। तो मिलावट वाला तो कोई सीन बनता नहीं है यार, बाकी पूछते हैं इनको और बाकी सवाल होते हैं पेट्रोल पंप के लिए। क्या चेक कर रहे हो आप? क्वालिटी चेक कर रहे हैं पेट्रोल की, डीजल की। वो कैसे होगी देखते रहो। ये जाएगा हाइड्रोमीटर। ये टेम्परेचर थर्मामीटर, थर्मामीटर टेम्परेचर, तेल का टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर भी होता है तेल का, क्या जैसे इंसान का बुखार चेक करते हैं इसका भी वैसे करते हैं। तो भाई तेल की चेकिंग तो पूरी हो गई है बाय मी, टेंशन नहीं है गाइस, तेल का फुल है। अभी भी जो बाकी मसले होते हैं, जो बंदे बोलते हैं पेट्रोल पंप के स्कैम होते हैं, वो क्या होता है? वो सिर्फ जो फ़ोन पकड़ के बैठते हैं उनकी अफवाह सुन सुन के, वो लोग पागल करके सुन लेते हैं उनको।
नहीं बट बंदे बोलते हैं ना पेट्रोल पंप पे मतलब तेल वेल का कोई सीन होता है, आपकी चेकिंग भी होती है ना शायद? बिल्कुल होती है, हर मंथ होती है। गाड़ी आती है? बिल्कुल चेकिंग की लैब आती है। अगर कोई घपला निकला पंप सीज बंद? यो ब्रो नहीं रो। फिर स्कैम किस चीज का होता है भाई? स्कैम वही जो लोग बोलते हैं कि हमें पेट्रोल पूरा नहीं मिला, वो उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने मीटर जीरो चेक किया कि नहीं किया। अच्छा बिल्कुल। बट आजकल तो शायद यार वो बंदे भी खुद बोलते हैं कि जीरो चेक कर लो, अब तो ज्यादा हो गया है। इतना नहीं है गाइस, हम खुद यहाँ से तेल भराते हैं, टेंशन ही किस चीज की। खाना पीने का टाइम होता है। क्या कर रहे हो? ओए बिग्गी सर। मम्मा मुझे लोग बोल रहे थे कि तेरे घर पे तेरी नानी आई हुई है क्या? किसके लिए? आपके लिए। आपके मुंह पे बड़ी झुरियाँ हैं ना, बुड्ढे हो आप इसलिए। कौन बोल रहा था? कमेंट कर रहे थे लोग वीडियो में। हाँ तो आप अपने बुड्ढे ही हो ना मम्मी। तो अभी हम घर पे आ गए हुए हैं और एडिटिंग करने शुरू कर दी हुई है, बट जैसे कि अभी नेट नहीं चल रहा तो फिलहाल इसी से टाइम पास करना पड़ रहा है। सोया हुआ था इसकी वजह से उठना पड़ा, घर के नीचे आके चिल्लाने शुरू हो गया था। क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है गाइस, देखो क्या लिखा है इसमें, छोटू एक कटिंग। ठीक है यार, मतलब अब तो बंदे हर एक चीज यही लेंगे, छोटू एक कटिंग चाहिए। ये है भाई कुल्लड़ पिज्जा कप में जो भी है। अभी आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स मर्चेंट सर, आप प्योर कश्मीरी केसर दिखाना। कश्मीरी केसर कहाँ पे है दिखाओ ना, कश्मीरी केसर आप बताओ ना, फिर दिखाना। गौर से देखिए इन्हें, ये सिर्फ कश्मीरी केसर पे करते हैं स्कैम, कुछ नहीं है इनके पास। ये है कश्मीरी केसर इनका। तो यार अभी आए हम NRI टपरी वाला से, नया कैफ़े खुला है कटरा में ये बाणगंगा रोड पे। तो इतना कुछ खास नहीं था यार, मतलब सब कुछ ट्राई किया, मतलब बिल्कुल खास नहीं था यार। मैंने शॉर्ट्स डाली उसकी क्या क्या खाया था हमने कुछ, मतलब ओवरऑल बिल्कुल इतना कुछ खास था ही नहीं यार, सीधी बात नहीं था इतना अच्छा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं।